नमस्ते छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में आपका स्वागत है। कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 12 खनिज पोषण। मिनरल न्यूट्रिशन। डेफिनेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सभी जीवित प्राणियों के जीवित रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, पानी और खनिजों की आवश्यकता होती है। पौधों को भी वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। Methods to study the mineral requirement of plants. Hydroponics. मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों के समाधान में पौधों को उगाने की एक विधि है। इस विधि को सब्जियों की व्यावसायिक खेती में नियोजित किया जाता है। इसका उपयोग पौधों के खनिज की कमी विकारों पर शोध करने के लिए भी किया जाता है। एरोपोनिक्स। हवा में तैरने वाले पोषक तत्वों का छिड़काव करके पौधों को उगाने की एक विधि है। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। खनिज की जरूरत पौधे के आधार पर भिन्न होती है। यह निर्धारित करने के लिए एक मानदंड है कि घटक आवश्यक है या नहीं। इसमें निम्न आइटम शामिल हैं। तत्व उचित विकास और प्रजनन के लिए आवश्यक होना चाहिए। यदि ऐसा कोई घटक अनुपलब्ध है तो पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। तत्व की आवश्यकता सटीक होनी चाहिए और कोई अन्य तत्व इसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। तत्व को पौधे के चयापचय में प्रत्यक्ष भूमिका निभानी चाहिए। There are two types of mineral elements required by plants, macronutrients and micronutrients. Macronutrients. पौधों को इन घटकों की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम सभी पाए जाते हैं। CO2 और H2O कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सबसे आम स्रोत हैं। अन्य को मिट्टी से खनिज पोषण के रूप में प्राप्त किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये पोषक तत्व हैं जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लोहा, मैंगनीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जस्ता, बोरान, क्लोरीन और निकल सभी मौजूद हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक तत्व अमीनो एसिड, लिपिड और इसलिए कोशिकाओं के संरचनात्मक तत्वों जैसे कई बायोमोलेक्यूल्स के घटकों के रूप में काम करते हैं और उन्हें उनकी अनूठी गतिविधियों के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। आवश्यक तत्व जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन और ATP में फास्फोरस, ऊर्जा से जुड़े रासायनिक यौगिकों के प्रमुख घटक हैं। आवश्यक तत्व एंजाइमों के सक्रियकर्ता और अवरोधक दोनों के रूप में काम करते हैं, उनके कार्य को प्रभावित करते हैं। रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फॉस्फोएनोपाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों Mg2+ द्वारा सक्रिय होते हैं। कार्बन निर्धारण होने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन चयापचय के दौरान Zn2+ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को सक्रिय करता है, जबकि नाइट्रोजनेज गतिविधि के लिए मो की आवश्यकता होती है। एक सेल की परासरणता को कुछ प्रमुख घटकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पोटेशियम आयनों के जवाब में स्ट्रोमेटा खुलता और बंद होता है। रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विभिन्न मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका है।
नाइट्रोजन। पौधों को इस आवश्यक घटक की काफी मात्रा की आवश्यकता होती है। यह पौधों द्वारा नाइट्रेट आयनों NO के रूप में लिया जाता है। कुछ पौधे इसे नाइट्राइट आयनों NO या अमोनियम आयनों NH+ के रूप में भी अवशोषित करते हैं। यह विटामिन का एक आवश्यक घटक है और पौधों द्वारा सक्रिय रूप से विकासशील ऊतकों जैसे मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में एक प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। फास्फोरस, फॉस्फेट आयन PO3+ पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं। यह कोशिका झिल्ली प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जड़ों के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। बीज निर्माण को इस पोषक तत्व की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के भंडारण और परिवहन में शामिल। पोटेशियम, यह सक्रिय रूप से विकासशील ऊतकों जैसे मेरिस्टेमेटिक ऊतकों कलियों पत्तियों और जड़ युक्तियों में समृद्ध है। यह एक सेल में ऑस्मोटिक क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है जो स्ट्रोमेटा खोलने और बंद करने के लिए जिम्मेदार है। प्रकाश संश्लेषक दरों को बढ़ाता है। प्रोटीन संश्लेषण इस पर निर्भर है। कैल्शियम, कैल्शियम आयन Ca2+ पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं और चल रहे कोशिका विभाजन और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन चयापचय में एक भूमिका निभाता है। यह मध्य लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मौजूद है। माइटोटिक स्पिंडल को विकसित करने के लिए भी यह आवश्यक है। यह कुछ एंजाइमों के सक्रियण के लिए भी आवश्यक है। मैग्नीशियम, यह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में शामिल एंजाइमों के सक्रियण के लिए आवश्यक है। यह मैग्नीशियम आयनों Mg2+ के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। यह RNA और DNA के उत्पादन में सहायता करता है। यह क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक है, साथ ही राइबोसोम संरचना को बनाए रखता है। सल्फर, मेथियोनिन जैसे अमीनो एसिड का एक आवश्यक घटक। मेथियोनिन जैसे अमीनो एसिड का एक आवश्यक घटक बीज उत्पादन में योगदान देता है। यह क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। आयरन, लोहा ज्यादातर पौधों द्वारा फेरिक आयनों Fe3+ के रूप में अवशोषित होता है और कोशिका विभाजन और विकास के लिए आवश्यक है। विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों के परिवहन में सहायता करता है। यह कैटालेज एंजाइम के सक्रियण के लिए आवश्यक है जो क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर के रूप में भी कार्य करता है। मैंगनीज, मैंगनीज आयनों Mn2+ के रूप में अवशोषित होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम के घटकों में से एक जो नाइट्रोजन चयापचय के लिए आवश्यक है। यह गैरचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान पानी के फोटोलिसिस में लगा हुआ है। जिंक, जिंक आयन Zn2+ शरीर द्वारा अवशोषित होते हैं। क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक है। कार्बोक्सिलेज सहित कई एंजाइमों के सक्रियण में एक भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कॉपर,
यह पौधों द्वारा कपिक आयनों Cu2+ के रूप में अवशोषित होता है। चयापचय प्रक्रियाओं के दौरान यह रेडॉक्स प्रतिक्रियाओं में लगा हुआ है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण और प्रजनन कार्य करता है। फलों और सब्जियों के स्वाद में योगदान देता है। पौधों में चीनी की मात्रा बढ़ाएं। बोरान को पौधों द्वारा BO33 या B4O72 के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह कैल्शियम अवशोषण में एक भूमिका निभाता है। पराग ट्यूबों के विकास में सहायता करता है। पादप कार्बोहाइड्रेट परिवहन सेल भेदभाव में एक भूमिका निभाता है। मोलिब्डेनम, यह पौधों द्वारा मोलिब्डेट आयनों MO2 के रूप में प्राप्त किया जाता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम का मुख्य घटक, यह लोहे के साथ मिलकर एंजाइम की उत्प्रेरक साइट बनाता है। यह नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाइट्रेट रिडक्टेस एक नाइट्रोजन आत्मसात एंजाइम है। नाइट्रेट रिडक्टेस एक नाइट्रोजन आत्मसात एंजाइम है जो नोड्यूल विकास में भी भूमिका निभाता है। क्लोरीन, क्लोराइड के आयन अवशोषित होते हैं Cl, सेल की ऑस्मोटिक क्षमता को बनाए रखता है। यह पानी के फोटोलिसिस में लगा हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। Deficiency symptoms of essential elements. सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्वों में से एक नाइट्रोजन है। पत्तियों का पीलापन नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। फास्फोरस की कमी के परिणाम स्वरूप पत्तियों की पत्तियां जलती हैं और युक्तियों का पीलापन होता है। पोटेशियम की कमी के परिणाम स्वरूप इंटरवीनल क्लोरोसिस और पुरानी पत्तियों का मुरझाना होता है। फूलों की अंत सड़न कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मैग्नीशियम के कारण पुरानी पत्तियां पीली हो जाती हैं, एक स्थिति जिसे क्लोरोसिस के रूप में जाना जाता है जो तब होता है जब क्लोरोफिल खराब हो जाता है। सल्फर की कमी के कारण पुराने पत्तों की तुलना में छोटी पत्तियां अधिक पीली हो जाती हैं। युवा पत्तियों का क्लोरोसिस लोहे की कमी के कारण होता है। डाईबैक रोग पौधों में लोहे की कमी का एक सामान्य लक्षण है। मैंगनीज पत्तियों की नसों के बीच पीलेपन का कारण बनता है और पौधे के घटकों पर मृत पैच बनाता है। जस्ता पौधे को रोसेट विकसित करने, नसों के बीच पीलापन और कम विकास का कारण बनता है। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप सेल की दीवारों साथ ही स्टेम और टहनी डाईबैक कमजोर हो जाती है। बोरोन का पौधे के प्रजनन और वनस्पति विकास पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही मेरिस्टेम मृत्यु भी होती है। मोलिब्डेनम विकास मंदता का कारण बनता है। क्लोरीन मुरझाने, क्लोरोसिस और एक अत्यधिक शाखा जड़ प्रणाली साथ ही ऊतकों में नेक्रोसिस का उत्पादन करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन परमाणुओं से बना होता है जो एक ट्रिपल सहसंयोजक बंधन NN द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। नाइट्रोजन निर्धारण नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण दो तरीकों से किया जा सकता है। विवरण निम्नलिखित हैं। बिजली गिरने पर भौतिक नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। बिजली की उपस्थिति में वायुमंडल में N और O नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं।
फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड NO2 बनाने के लिए NO को आगे ऑक्सीकरण किया जाता है। अमोनिफिकेशन मृत पौधों और जानवरों के अपघटन से अमोनिया का उत्पादन करने की प्रक्रिया है। नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्राइट और अंततः नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्राइट बनता है, जबकि नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की उपस्थिति में बनता है। सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। बिजली के दौरान बारिश के मौसम में पाया जाता है, 2NO सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। वर्षा के मौसम में बिजली गिरने के दौरान पाए जाते हैं, 2NO। Lightning N2O, nitric oxide, 2N2O2. 2NO2 oxidation. Nitrogen peroxide. 2NO2HO2. HNO2-3. 4NO2-2HO2O2-4HNO3. Nitric acid. CaO2HNO3 equals CaNO3-2H2O. Calcium nitrate. HNO3NH3 equals NHNO4-3, ammonium nitrate. HNO2NH3 equals NHNO4-2. Ammonium nitrite. Biological nitrogen fixation. ऐसा तब होता है जब राइजोबियम जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं। डायजोट्रोफ प्रोकैरियोट्स हैं जो जैविक तरीके से नाइट्रोजन को ठीक करते हैं। राइजोबियम एक सहजीवी बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। नाइट्रोजनेज जैविक नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। फ्री लिविंग और सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दोनों मौजूद हैं। एजोटोबैक्टर, रोडोस्पिरिलम, अनाबेना और नोस्टोक मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। फलीदार पौधे जैसे मटर, बीन्स, क्लोवर, अल्फाल्फा और अन्य राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग विशिष्ट नोड्यूल्स के विकास के साथ होती है। पौधों की जड़ों के साथ राइजोबियम का संपर्क नोड्यूल्स के विकास में पहला कदम है। इन पौधों द्वारा कुछ यौगिक जारी किए जाते हैं जो पौधे की जड़ों में बैक्टीरिया को आकर्षित करते हैं। राइजोबियम एक रूट हेयर कर्लिंग घटक का उत्पादन करता है जो जड़ों के बैक्टीरिया के आक्रमण में सहायता करता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन निर्धारण को उत्प्रेरित करता है, ऑक्सीजन संवेदनशील है। नाइट्रोजन निर्धारण के दौरान एंजाइम लेग हेमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन परिवार का एक सदस्य ऑक्सीजन को साफ करता है। नोड्यूल फॉर्मेशन स्टेप्स बिंग इमेजेस स्टेप्स ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित प्रतिक्रिया इस प्रकार है। नाइट्रोजनेज N2-1-2-ATP-ADP-2NH3-1-2-ADP-1-2-pi। नाइट्रोजन अमोनिया फॉस्फेट वायुमंडलीय अकार्बनिक N2 गैस के दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच मौजूद मजबूत ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 12 ATP की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन निर्धारण की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के एक अणु को अमोनिया के दो अणुओं में बदलने के लिए 16 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। पौधों को नाइट्रोजन निर्धारण के दौरान उत्पादित अमोनिया द्वारा जहर दिया जाता है। नतीजतन यह अमोनिया आगे की प्रतिक्रियाओं से गुजरता है।
रिडक्टिव एमिनेशन ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट का उत्पादन करने के लिए अल्फा केटोग्लूटारिक एसिड के साथ अमोनिया की प्रतिक्रिया है, जैसा कि नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया है। Reductive amination and transamination. Transamination. जब एक एमिनो एसिड से एक एमिनो समूह को कीटो एसिड में स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसएमिनास एंजाइम है जो इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शतावरी अमीनो एसिड बनते हैं। नतीजतन जहरीला अमोनिया पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में बदल जाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.